एक एक्सीडेंट बाइक पे हुआ था एक बच्चे का, और मैंने इमरजेंसी में आपसे बात की थी, मुझे एडमिन ने कनेक्ट कराया था। आप बड़े बिजी थे और बड़ी दुआएं करके 19 दफा बिस्मिल्लाह करके मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था और आपसे फिर मेरी बात हो गई थी। 16-17 साल का बच्चा है, हमारे पास काम करता है, मुलाजिम है। वो बाइक पे कहीं बाहर गया था और दो बाइक्स की आपस में टक्कर हुई और वो इतनी शदीद हुई कि एक बाइक वाला जो था उसकी तो मौके पे बेचारे की डेथ हो गई, और ये जो हमारे वाला मुलाजिम था इसके सर में इतनी शदीद चोट आई कि इसके कान से खून निकलना शुरू हो गया। और ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसे था, हॉस्पिटल भी जो एमरजेंसी में उसे लेके गए वो कह रहे थे कि इसके बचने के चांसेस नहीं है। जी जी, अगले किसी शहर में, जिस बॉडी उसकी बिल्कुल ठंडी हो गई उसमें, खैर मेरे हस्बैंड और बेटे सब मिल मिला के, उनके घर वाले भी बच्चे को ले गए। उस दौरान मेरी आपसे बात हुई, आपने कहा कि कोई ब्लड रिलेशन जो उसका है उसकी माँ बाप में से कोई वजीफा सुनेगा। मैंने आपको बताया कि वो इस तरह के लोग नहीं है, मैं ही सुनूंगी। आपसे बात हुई, आपने मुझे सूरह यासीन विरद मुबीन 7 दफ़ा सुनने के लिए 7 दिन के लिए दी, और आपने ये बात कही उस वक्त उस कॉल में कि इंशाल्लाह आप जब 7 दफ़ा इसको सुन लोगे तो कोई खुशखबरी आएगी। और मैं फौरन, अभी एम्बुलेंस शहर से निकली भी नहीं थी, मैं बैठ गई थी वजीफा करने, और अपने बाप से मतलब रबते में थे कि कैसा है, कोई बेहतरी आई, कोई कुछ पता नहीं चल रहा था। लेकिन जिस तरह 7 टाइम हमने वो मुकम्मल कर ली, एक सवाल आई कि बच्चे के सारे टेस्ट हो गए हैं, उसके ब्रेन में कोई मसला नहीं है, वो बातें भी कर रहा है, उसने बोलना भी शुरू कर दिया है,